आपका रुख करूंगी छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास रहेगा? देखिए श्रावणी, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अभी दिल्ली के दौरे पर है तो कहीं ना कहीं आज सीएम भूपेश बघेल भी नीति आयोग की बैठक में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल ही नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी और सदस्यों को बधाइयां भी और शुभकामनाएं भी देते हुए यहाँ पर नजर आए थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात किया था। कल तकरीबन चर्चाएं कुछ विषयों पर सीएम भूपेश बघेल और प्रधानमंत्री के बीच में चर्चाएं भी हुई थी, और उसके बाद एक विशेष हस्तचित्र जो है छत्तीसगढ़ की उस चिन्ह को उसको प्रधानमंत्री को भेंट करते हुए भी नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा है और दिल्ली के बाद नीति आयोग की बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश जा सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को कांग्रेस ने उनको ऑब्जर्वर बनाया, वहां की जिम्मेदारी दी है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में के दौरे पर भी आज सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे, और वहां पर बात किया जाए तो शिमला में वहां पर कांग्रेस संगठन की एक बड़ी बैठक है, और उस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद करेंगे, क्योंकि सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का नेतृत्व भी सीएम भूपेश बघेल वहां पर करेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वहां हिमाचल प्रदेश का के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी है, तो आज शिमला में एक बड़ी बैठक होगी, और इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो कई अहम मुद्दों को लेकर के सीएम भूपेश बघेल जो हिमाचल प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता हैं, शिमला के जो कांग्रेस के नेता हैं, उनको वहां पर टिप्स देते हुए नजर आएंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह की तैयारियां करनी है, किस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरना है, और सरकार को किस तरह से वर्तमान सरकार को किस तरह से घेरना है। तो इन सभी विषयों पर आज की जो बैठक होगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शिमला में, एक बड़ी बैठक के रूप में इसको देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस संगठन के सारे बड़े नेता मौजूद होंगे, और संगठन की बैठक अक्सर करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां भी जाते हैं तो वहां पर कांग्रेस के संगठनों की बैठक लेते हैं, संगठनों का मन टटोलते हैं कि संगठन की स्थिति क्या है प्रदेश में, संगठन किस तरह से काम कर रही है, उसको लेकर के एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में हिमाचल प्रदेश के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश के बाद 8 तारीख को राजधानी रायपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और यहां पर जिस तरह से 9 तारीख से पद यात्रा शुरू होगी, 75 किलोमीटर की ये पद यात्रा होगी, तो कांग्रेस के जो नेता है वो तिरंगा लेकर के ये पद यात्रा करते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने पद यात्रा को लेकर के पीएल पुनिया के निर्देशानुसार जिस तरह से पद यात्रा को लेकर के हर एक विधानसभा में विधायकों को इस पद यात्रा की जिम्मेदारी दी है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन विधानसभा से यहां पर पद यात्रा करते हुए नजर आएंगे। 75 किलोमीटर का यह पद यात्रा होगा, और अपने विधानसभा से सीएम भूपेश बघेल इस पद यात्रा का अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। मोहन मरकाम की बात करो तो मोहन मरकाम किसी से चीफ है कांग्रेस के, तो उनका जो विधानसभा है कोंडा गांव क्षेत्र से, वो कोंडा गांव से इस पद यात्रा का अगुवाई करेंगे, और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की बात करो तो वो अंबिकापुर सरगुजा संभाग के क्षेत्र अंबिकापुर से इस पद यात्रा में लगभग 75 किलोमीटर की यह पद यात्रा होगी। कांग्रेस के जो बड़े लीडर है अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा फोकस उन बड़े लीडरों पर किया जा रहा है, कवर्धा की अकबर खान, जिस अकबर खान वन मंत्री है छत्तीसगढ़ शासन में, उनका जो है वो कवर्धा विधानसभा से वो अपनी पद यात्रा शुरू करेंगे। अगर बात किया जाए अमरजीत भगत की तो अमरजीत भगत जो है वो सीतापुर विधानसभा से वो अपनी पद यात्रा को शुरू करेंगे, और जिन विधानसभाओं में विधायक है उन विधायकों को यहाँ पर पीएल पुनिया के और मोहन मरकाम के निर्देशानुसार पत्र जारी कर दिया गया है। और जिस तरह से कांग्रेस पद यात्रा को लेकर के हर एक जिले में अब बैठक भी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस पद यात्रा में चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे NSY हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, तो जितने भी कांग्रेस के विंग्स हैं, सेवा दल की भी बात करो, महिला कांग्रेस की भी बात करो, तो सारे विंग्स को इस पद यात्रा में शामिल होना है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पद यात्रा को लेकर के जिस तरह से तैयारी कर रही है, 9 अगस्त से ये पद यात्रा शुरू होगी और सीएम भूपेश बघेल 8 अगस्त को राजधानी रायपुर में पहुंचेंगे, तो इस पद यात्रा की रूपरेखा के लिए बैठक भी कर सकते हैं सीएम भूपेश बघेल, कैबिनेट मंत्रियों की एक बैठक भी ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस पद यात्रा को मिशन 2023 के विधानसभा चुनाव की ओर से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने और ऐसे में महज साल भर ही छत्तीसगढ़ में चुनाव को बचे हुए हैं, तो किसी भी तरह की कोई कसर से यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरह से लगातार संगठनों की बैठक छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल करते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार पीएल पुनिया का दौरा छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 71 सीटों पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ के 90 सीटों में से 71 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है, तो उसको लेकर के इस पद यात्रा में यहाँ पर कांग्रेस के जितने MLA हैं, ब्लॉक अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, इन सभी को निर्देशित किया जा चुका है, महिला कांग्रेस को निर्देशित किया जा चुका है कि किसी भी तरह की इस यात्रा में कोई कमी ना हो,
छत्तीसगढ़ के 3.5 साल की जो योजना है, 3.5 साल की जो सरकार की योजना है, सरकार जितना काम करी उन सभी योजनाओं का यहाँ पर बखान भी करना है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो मिशन 2023 के लिए कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल किया जाए, बिल्कुल सिकंदर, क्योंकि तैयारी जो है साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से देखी जा रही है फिलहाल।